जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया है। इस अपराधी के ऊपर हत्या, लूट, डकैती समेत कुल 28 मुकदमा दर्ज था। एसपी डॉ अजय पाल शर्मा ने बताया कि कल रात पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश खेतासराय इलाके में टहल रहे हैं। पुलिस ने चेकिंग शुरू किया तो उसी समय 2 बदमाश पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू करते हुए भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 लाख का इनामी बदमाश प्रिंस सिंह निवासी ईश्वरी नेवादा गांव थाना सरायख्वाजा मारा गया। इसके ऊपर जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या और मुंबई में कुल हत्या डकैती के 28 मामले दर्ज है। आज 4/5 जून की रात्रि में थाना क्षेत्र खेतासराय के अंतर्गत सूचना के आधार पर थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिसमें कि रोके जाने पर कुछ बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग किया गया। इसके बाद आसपास के जो पुलिस बल को वहां पर कॉल किया गया, जिस दौरान पुलिस मुठभेड़ में जब बदमाशों और पुलिस पार्टी के बीच जब फायर एक्सचेंज हुआ है, उसी में एक बदमाश प्रशांत सिंह और प्रिंस पुत्र प्रेम नारायण सिंह निवासी ईश्वरी नेवादा थाना क्षेत्र सरायख्वाजा का, जो कि मुठभेड़ में मारा गया है, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए की का इनाम घोषित था और ये पिछले करीबन 7 साल से फरार चल रहा था और हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर के मुकदमे इस पर दर्ज थे, जिसमें यह वांछित था। अभी तक की जानकारी के अनुसार कुल 37 आपराधिक मामले इस अपराधी के विरुद्ध दर्ज हैं, जो कि अलग अलग जनपदों में, जैसे कि जनपद जौनपुर में, जनपद आजमगढ़ में, जनपद अयोध्या में और इसके अलावा महाराष्ट्र के बॉम्बे जनपद में भी इसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। फिलहाल इसका एक साथी मौके से फरार है, जिसके लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।